दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं बॉलीवुड के दबंग खान। यानी कि भैया इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार हम ऐसी खबरें देख रहे हैं जहां पर ये बातें लगातार कही जा रही है कि भाई हम दबंग खान की फिल्मों का, उनके शोज का बहिष्कार करेंगे, यानी कि भैया हम कहीं भी दबंग खान का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होने वाला है? तो दोस्तों इस बात की सच्चाई तो उसी दिन हम लोगों के सामने आ जाएगी जब दबंग खान की वापसी होगी उनकी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि भैया बिग बॉस जल्दी आने वाला है टेलीविजन पर, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि भाई तूफान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, यानी कि भैया तूफान बढ़ चुका है मैड बॉक्स की तरफ, यानी कि भैया बिग बॉस के साथ वापस आने वाला है सीजन 14 में, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और भाई इस शो को लेकर बड़ी बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है और वो नाम भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि भैया इस बार बिग बॉस के घर पे मेहमान कौन कौन होंगे। तो दोस्तों आज तीन बड़े बड़े नाम आए हैं इस शो को लेकर कि भैया इन लोगों की एंट्री होने वाली है इस शो में। तो दोस्तों इसमें से एक है नैना सिंह का नाम, जो कि भैया कुमकुम भाग्य में जबरदस्त रोल निभा रही थी, लेकिन भैया बिग बॉस का ऑफर जैसे ही उन्हें मिला उन्होंने देरी ना करते हुए बिग बॉस को बोला हां और उसके साथ ही उन्होंने अपने शो को त्याग दिया। यानी कि भैया जैसे उन्होंने इस शो को छोड़ा तो भैया उनके किरदार को निभाने के लिए कुमकुम भाग्य में आ चुकी है पूजा बनर्जी, जो कि भैया प्रज्ञा और अभी की बेटी का किरदार निभा रही है। यानी कि भैया पहले ये किरदार नैना सिंह निभा रही थी लेकिन भाई अब ये किरदार पूजा बनर्जी निभा रही है जब से नैना सिंह निकल चुकी हैं बिग बॉस के घर के लिए। और भाई उसके बाद इस शो में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ने वाला है, यानी कि भैया कुमार सानू के बेटे यानी कि भैया जान सानू की भी एंट्री शो में होने वाली है। बताया जा रहा है कि भैया मेकर्स की तरफ से उनको अप्रोच किया गया और जान सानू भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि भैया उनकी इस शो में एंट्री होने वाली है। यानी कि भैया ये आज का दूसरा बड़ा नाम है बिग बॉस 14 के लिए। और भाई इसके बाद जो तीसरा बड़ा नाम है वो तो भाई बहुत बड़ा नाम है जिनका मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा खासा फैन गैलरी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आशीष भाटिया की, जो कि भैया स्प्लिट विला में अपना जलवा दिखा चुके थे। यानी भैया स्प्लिट विला में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई चेहरा था तो वो था आशीष भाटिया का। और बताया जा रहा है कि आशीष भाटिया इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं, यानी कि भैया इस शो के मेकर्स की तरफ से आशीष भाटिया को अप्रोच किया गया था और आशीष भाटिया ने भी इस शो के लिए हां बोल दिया है और वो इस घर में आने वाले हैं। यानी कि भैया जबरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ में आशीष भाटिया की जब इस शो में एंट्री होगी तो कहने वाले तो यही कह रहे हैं भैया कि ये तो लंबी रेस का घोड़ा है और बिग बॉस में बहुत आगे तक जाने वाला है। यानी कि भैया इन दिनों हम जितनी भी खबरें सुन रहे हैं दबंग खान के शो को लेकर कि भैया बिग बॉस का बहिष्कार होगा, लेकिन भाई जितनी बहिष्कार की बातें हो रही हैं उतनी ही तेजी से बिग बॉस का काम भी शुरू हो चुका है। यानी कि भैया बिग बॉस 14 बहुत जल्दी आने वाला है टेलीविजन पर, उसके साथ ही ये बात सबको पता चल जाएगा कि भैया क्या इस बार का बिग बॉस फ्लॉप होगा या फिर दबंग खान का जलवा एक बार फिर से चलेगा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भाई सभी बाधाओं को पार करते हुए दबंग खान फिर से अपना जलवा टेलीविजन पर दिखाने में कामयाब रहेंगे कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।